अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में बिलीव इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा से ही अपने स्टार्स को, अपने सेलिब्रिटीज़ को, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपनी फील्ड में आला मुकाम हासिल किया होता है, हम उनकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करते हैं ताकि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज का इंटरनेशनली अच्छा मैसेज आए। आज इसी सिलसिले में मेरे हर दिल अजीज शख्सियत हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं और लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, आप जान गए होंगे नाम से ही, मियां नमान कबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर मियां नमान कबीर साहब की तरफ चलेंगे हम और उनसे जानेंगे ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र की कहानी उन्हीं की ज़बानी। जी, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में खुश आमदेद, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, आज मैं फोर्थ प्रेसिडेंट यानी कि जो लाहौर चैम्बर के हैं, और नाज़रीन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के ना सिर्फ के लाहौर के लाहौर चैम्बर के आप 100 प्रेसिडेंट हैं जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो मियाँ साहब, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में थोड़ा सा बताइएगा, ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? मियाँ नमान कबीर साहब हैं कौन और लोगों को इतना नहीं पता कि आपका बिज़नेस क्या है, बचपन कैसा गुजरा, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मॉडल स्टील का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसातत से दोस्तों से, व्यूअर्स से बात करने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम नुमान कबीर है, अल्लाह का शुक्र है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 100th प्रेसिडेंट हूँ लाहौर चैम्बर का। लाहौर चैम्बर में 100 साल मुकम्मल हो गए हैं और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि आई कैन सर्व द बिज़नेस कम्युनिटी ऑन दिस एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म। बाकी अपने बारे में ज़ाहिर है, ना तो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना स्टार हूँ, आपसे यहाँ मैं इख्तलाफ करूँगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ही एक नाचीज़ और छोटा इंसान हूँ। बस गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू मी, ये एक सबसे बड़ी बात है। मेरी फैमिली की हैज़ बिन वेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस बिल्कुल रही हैं बिज़नेस कम्युनिटीज़ की। पिछले 120-125 साल से हम बिज़नेस से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान बनने से पहले से ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, पाकिस्तान बनने के बाद माई फैमिली केम इन टू इंडस्ट्री 1950s में बिलखसूस, और तो उसके बाद अयूब खान साहब आए तो फिर हमने आटा मिल लगाई सरताज फ्लोर मिल के नाम से, मेरे वालिद साहब ने लाहौर ही में, तो सरताज स्टील के नाम से काम करते रहे, स्टील का पॉलीप्रोपिलीन वोवन बैग्स में बना रहा हूँ जी। थोड़ी सी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, मेरा ननिहाल तो पिछले कोई 150 साल से मुंसलिक है इस कारोबार से। मैं भी फ़िलिप मॉरिस और चंद एक मल्टी नेशनल्स के साथ उनकी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लाहौर में। उसके अलावा साथ साथ यही ख्वाहिश होती है कि जहाँ इंसान अपने लिए बिज़नेस करे, काम करे, आई थिंक कम्युनिटी के लिए सोशली आपको बहुत ज़रूरी है कि आप वो भी काम करें, ताकि अल्लाह ताला ने आपको अगर किसी चीज़ से नवाजा है तो मेरे ख्याल सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो गाहे बगाहे मेरी ख्वाहिश यही रही शुरू से, जब से बिज़नेस में आया हूँ, चाहे अपने कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट जहाँ से मेरा ताल्लुक, इंडस्ट्री जहाँ हमारी है, उधर के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट्स में काम करता रहा, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का प्रेसिडेंट भी रहा। अल्लाह का शुक्र है, मेरा दिल बड़ा मुतमईन है कि मैंने इंडस्ट्रियल स्टेट को पूरा रीवैम्प करके और एक बहुत उम्दा इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई हमने लाहौर में। उसके लिए उस वक्त की जो हुकूमत थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। शहबाज़ शरीफ साहब ने हमेशा बहुत ही, इट्स बीन ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव
ख्वाब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो, उनके साथ मैंने कुछ देर काम किया, मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पे कुछ ना कुछ करने के काबिल हुए, और अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान के मिनरल्स और माइंस की एक्सपोर्ट्स हमने बहुत बेहतर की। कुछ देर के लिए मैं केयरटेकर हुकूमत का भी हिस्सा रहा। वो कैसे हुई सर? मैं मुझे सर्व करने का थी, ये जो हुकूमत थी इससे बनने से पहले 2018 में जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसमें मैं लोकल गवर्नमेंट का, लाइफ स्टॉक का और ह्यूमन रिसोर्स का वजीर रहा। तकरीबन 4 महीने हुकूमत के साथ सर्व करने का मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा तजर्बा था कि आपने सीखा कि किस तरह पब्लिक सेक्टर में भी काम किया जाता है। वी हैव ऑलवेज बीन सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, थोड़ा सा मेज के दूसरे रुख पे आके भी काम किया। डायरेक्ट सर्व करना है, डायरेक्टली तो किसी ना किसी छोटी मोटी कैपेसिटी में, मकसद यही है कि आप कम्युनिटी के भी काम कर सके, अपनी सोसाइटी के लिए भी आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सिर्फ वक्त आपको पैसे कमाने के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ तजर्बात हैं आपके, फिर आप दोबारा, और मैं यही आपके चैनल की वसादत से रिक्वेस्ट भी करूँगा तमाम दोस्तों से, तमाम व्यूअर्स से, कि हम सबको सोसाइटी के लिए ज़रूर काम करना चाहिए, सीएसआर के लिए स्पेशली। सीएसआर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी होती है सोसाइटी की आपके ऊपर। जब अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दे दिया होता है और फिर आपने दूसरे लोगों तक वो एग्जीक्यूशन करनी होती है, वो चीज़ें सारी, जिस मर्जी कैपेसिटी में, जिस मर्जी, आप ज़रूरी नहीं आपको ओहदा मिला हो, आप कुछ भी ना हो, आप बस आप ये कर सकें, मैं सोसाइटी के लिए कोई, मैं इन्वायरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए काम कर सकता हूँ। बच्चों को यही तरगीब देना, गंद ना डालें, नलके बाजारों में खुले हैं, तो हकीकतन हमें इतनी ख्वाहिश, हम इतना कॉन्ट्रीब्यूट करें कि खुद उठ के हम वो बाज़ार में गुजर रहे हैं तो वो नल बंद कर दें, या गाड़ी रोक के अगर कोई गंदगी डाल रहा है तो उसको समझा सकें कि यार गंदगी मत डालो, ये हमारा मुल्क है। और मैं ये सारे काम करता हूँ। शुरू में लोग वो बेवकूफ़ी खुद पे भी लगती थी और कि यार उठ उठ के नलके बंद कर रहे हैं रोड पे, लेकिन फिर अच्छा लगता है। और जब कोई समझ जाए बात, और आप यकीन करें हमारे लोग इतने अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं कि यूजुअली समझाओ तो बात समझ जाते हैं। मैं सब, ये मेरे लिए वाकई ऑनर की बात है कि मैं लाहौर चैम्बर के वो प्रेसिडेंट, जो कि नो डाउट एक बड़ा स्मार्ट प्रेसिडेंट है, काफ़ी मुद्दत बाद हमें इस सीट के ऊपर एक स्मार्ट प्रेसिडेंट मिला है हमें, और ना सिर्फ आपका बहुत हैवी प्रोफाइल है जो आपने मुझे पोर्टफोलियो बताया अपना, माशाल्लाह बड़ी खिदमात है आपकी, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि आप 100 प्रेसिडेंट का इस वक्त जो टिनोर है उसको कंप्लीट करें, तो ये सब ये ख्वाब ही था ना, एक बचपन का ख्वाब था जो आप देखा करते थे, सोचा था कभी कि इस सीट तक पहुँचेंगे? हालाँकि आपने इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दी गई है केयर टेकर गवर्नमेंट में भी, लेकिन क्या ये फिक्स था कि अभी आपको इधर आना है, बिजनेस कम्युनिटी को सर्व करना है? क्योंकि ये ट्रेड पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट, और आपकी जो तबीयत लगती है मुझे वो थोड़ा सा इससे अगेंस्ट है थोड़ा सा, तो किस तरह से ये हो गया, हाउ इज़ पॉसिबल, यानी कैसे? यानी आपने बिल्कुल सही कहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल कोई ट्रेड पॉलिटिक्स वाली नहीं है। और जिस तरह आपको जोड़ तोड़ करनी होती है मार्केटों में, अपने सियासतदानों में, पॉलिटिकल पार्टीज में जाके, तो मैं तो उससे बहुत घबराता हूँ, घबराते हैं और बहुत पीछे रहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का बस करम है। और ख़ुसूसन जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, ख्वाह वो मेरे ट्रेड पॉलिटिक्स में हो या हुकूमत में हो या सियासत में हो या हमारे इस्टेब्लिशमेंट में, शायद दे हैव बीन नाइस विद मी, उन्होंने देखा कि यार ये शायद काम करना चाहता है। दिल यही चाहता है कि आप जब काम करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड काम से हो, नशस्तम बर्खास्तम वाली बात ना हो कि आए और आके खामोशी से चले गए। मेरे ख्याल है देर शुड बी सम इम्पैक्ट ज़रूर आपका होना चाहिए कि आपने जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं आपकी वजह से उस जगह पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, कोई असर क्या हुआ असर है क्या हुआ? और जब आप जाएँ तो लोग कुछ याद ज़रूर करें कि हाँ भी आए थे, इन्होंने कुछ काम किया। बहुत से काम जब आप करते हैं, ज़रूरी नहीं सब काम अच्छे ही हों, गलतियाँ भी इंसान से होती हैं, गलत काम भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल नीयत इंसान की ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नेक नीयत ही से कुछ ना कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी इसमें आपकी मदद करता है, और उसका कहीं ना कहीं इट्स ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मियाँ साहब, लाहौर चैम्बर बड़ा भाई है एक तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स का देखा जाए तो, इसका हमेशा से एक अपना करदार रहा है, चाहे वो कि ट्रेड पॉलिसी के हवाले से देखें या वही ट्रेडर्स के हवाले से देखें, किसी हवाले से भी देखा जाए। मैं सब, आपके आने के बाद क्या चेंज आया ज़्यादा लाहौर चैम्बर के हवाले से अगर हम बात करें?
एज अ बड़ा भाई आप पूछ रहे हैं, एज अ बड़ा भाई भी कह लें, ऑल चैंपियंस के साथ अगर आप कंपेयर करें। आई हैव ट्राइड के पंजाब भर के जितने भी चैम्बर्स हैं उनके साथ एक कॉरेस्पॉन्डेंस और हमारा एक कॉन्टैक्ट एक अच्छा डेवलप हो जाए, ताकि जो पॉलिसी जो डिसीजन या जो मुतालबा लाहौर चैम्बर का है वही गुजरांवाला का हो, वही फैसलाबाद का हो, वही मुख्तलिफ शहरों का हो, ताकि वी शुड बी ऑन द सेम पेज। ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी कभी भी वो बात नहीं सुनना चाहती जो लाहौर से कुछ और मुतालबा जा रहा हो और पिंडी से कुछ और फैसलाबाद से कुछ और जा रहा हो, तो एक आवाज़ जानी चाहिए, ये इसमें हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ अब शहर इतने बड़े हो गए हैं, सेक्टर्स इतने बड़े हो गए हैं कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ लाहौर ही को संभाल लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पंजाब तो इट्स टू बिग। पंजाब आपको हैरत होगी ये बात सुन के कि अगर हम इसको एक अलहदा मुल्क बना दिया है तो ये नौवां मुल्क है दुनिया का सबसे बड़ा। तो इतनी बड़ी आबादी है, माशाल्लाह इतना बड़ा एरिया है, तो सिर्फ लाहौर को सर्व करना ही तकरीबन 2 करोड़ की अनऑफिशियल आबादी है। ऑफिशियली तो हम 1 करोड़ कहते हैं, लेकिन हकीकतन इतनी है। लाहौर चैम्बर के 32,000 मेम्बर हैं, बेशुमार रिटेल सेक्टर है, 35,000 से ज़ायद दुकानें हैं। मेरे ख्याल अगर आप इन्हीं को में ही थोड़ी सी तब्दील ला लें तो बहुत बड़ी बात होगी। इस पर मेरे साथ मज़ीद बात होगी। इस वक्त नाज़रीन हम ले रहे हैं एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। सिर्फ पॉलिसीज़ अनाउंस करने का नाम नहीं, पॉलिसीज़ बनाना काम नहीं, उन पे अमल दरामद असल काम है। अमल दरामद बदकिस्मती से नहीं हुआ और यही हमें उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब से कि वो एक डूअर आदमी है, उनके साथ तो कुछ अर्सा मैंने काम भी किया है और बिजनेस को समझते। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ है मियाँ नुमान कबीर साहब, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी मियाँ साहब, आपसे पहले इसी सीट के ऊपर जो प्रेसिडेंट थे लाहौर चैम्बर के मियाँ तारिक मिसबा साहब, उनका भी इंटरव्यू किया, उससे पहले इरफान साहब से भी हुई थी बात। अच्छा, एक चीज़ सब में कॉमन थी, अभी जब इरफान साहब का मैंने लास्ट इंटरव्यू किया जब वो एज ए प्रेसिडेंट FPCCI भी हैं, तो उसमें टिनोर के ऊपर बड़ा यानी कि ना बात की गई है, और मेरा भी मुतालबा ना सिर्फ था बल्कि उनकी तरफ से भी था कि हमारे चैम्बर्स का टिनोर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि कम से कम हमारे जो जो बॉडी है पूरी यानी कि चैम्बर्स की, उनको कुछ करने का मौका मिले। एक साल से भी कम बनता है आप लोगों को ओथ लेते हुए और पॉलिसीज़ के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए इसको, क्योंकि जी देखें इसमें कोई शक नहीं कि एक साल के अंदर यू आर नॉट एबल टू डिलीवर लॉट ऑफ थिंग्स। साल में आपको जब आप अगर आप नए चैम्बर में आए हों तो अब 2-3 माह कम से कम 3 माह आपको सिस्टम समझने में लग जाते हैं। और आखिरी 3 माह जाने के होते हैं जी, बस आप तो जा ही रहे हैं, 3 महीने रह गए हैं, तो आपको काम करने का 4-5 महीने का ही बस टाइम मिलता है, तो यू कॉन्ट डू लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर आप पहले SVP रहे हो, एक साल पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद आप प्रेसिडेंट बने, तो कॉन्टिन्यूएशन की बहुत आसानी रह जाती है पॉलिसी की। दूसरी बात ये कि अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है लाहौर चैम्बर में आप ज़ाहिर है आपके पास आप सिर्फ अपना कारोबार छोड़ते हैं, वक्त देते हैं, तो उस लिहाज से भी काफ़ी है एक साल का टाइम, क्योंकि आपका अपना ज़ाती बिजनेस बहुत सफ़र करता है इधर आने की वजह से। तो मैं ज़ाती तौर पर तो समझता हूँ मेरे लिए तो एक साल बहुत है, और मेरी ख्वाहिश है कि बखैर खैरियत से वक्त गुजरे और हम जाएँ वापस अपने काम पे। बट यू आर राइट, फॉर पॉलिसी मेकिंग इट्स टू लेस अ टाइम। लेकिन इसीलिए हम ये कहते हैं शायद साहब के इदारे मजबूत होने चाहिए। जब हम बात की जाती है चाहे मुल्की लेवल पर छोटे लेवल पर, जब इदारा मजबूत होगा, इदारे के एडमिनिस्ट्रेशन, इदारे का स्टाफ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से मजबूत हाथों में होगा, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्जीक्यूटिव कमेटी या प्रेसिडेंट आए और चला जाए। यस, देर शुड बी कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं सब दूसरी बात ये बताइएगा, अभी ये गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो वही पहले वाली बात पर आऊँगा कि पॉलिसीज तो डिफरेंट होती रहती, चेंज होती रहती है, तो अब आप आने वाली गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कभी के वो इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे जो ट्रेड के हवाले से थी कि अभी ये सारा कुछ फिर नए सिरे से देखा जाएगा? ना करे वो उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करें, मेरी तो बहुत क्योंकि आप सहमत नहीं थे क्या उस पॉलिसी से? कतई नहीं, कतई नहीं, दे वर क्वाइट बैड।
और अगर कोई पॉलिसीज़ कोई अच्छी थी भी, जैसा पिछली हुकूमत में रज़ाक दाऊद साहब बहुत ज़हीन आदमी थे और इमरान खान साहब भी अच्छे नेक नीयत आदमी थे, लेकिन सम हाउ उनकी अच्छी जो पॉलिसीज़ हैं वो ट्रिकल डाउन हुई नहीं, वो आम आदमी तक उसके असरात पहुँचे नहीं, और सिर्फ पॉलिसीज़ अनाउंस करने का नाम नहीं, पॉलिसीज़ बनाना काम नहीं, उन पर अमल दरामद असल काम है। अमल दरामद बदकिस्मती से नहीं हुआ, और यही हमें उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब से कि वो एक डूअर आदमी है, उनके साथ तो कुछ अर्सा मैंने काम भी किया है और मुझे बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस को समझते भी हैं और बिजनेस और ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जानते हैं। पाकिस्तान में मेरे बिजनेस को समझना या बहुत सी चीज़ें वो तो सबको आजकल समझ है, ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जो है वो शहबाज शरीफ साहब का एक फोटे है, और इसीलिए उनसे उम्मीद है कि वो काम लेंगे इनसे और काम करेंगे। देखिए आपके बहुत से मसाइल है पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन पर सिर्फ बहुत थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह ताला वो होंगे, और लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो कोई नहीं बन सके। डॉक्टर महबूब उल हक साहब के ज़माने में 5 ईयर प्लान्स बने थे, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से 5 प्लानिंग्स नहीं हुई, तो मेरे ख्याल है वी नीड टू मेक सम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान्स, इकोनॉमिक एजेंडाज फॉर अस कि हमने पाकिस्तान को कहाँ ले जाना है, हम 20 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं, हमारी मुआशी पॉलिसीज़ क्या होंगी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होगी, हम पाकिस्तानी रुपए को कहाँ देखना चाहते हैं, हम अपनी एनर्जी मिक्स को कहाँ देखना चाहते हैं, हाइडल से अगर हम तेज़ी से अब फ्यूल पे आ गए हैं, फ्यूल पे अगर हमने रहना है या ये वक्ती तौर पे है, तो हमें एक लॉन्ग टर्म विज़न ज़रूर चाहिए कि हमने पाकिस्तान को 10 साल बाद कहाँ देखना है, 50 साल बाद कहाँ देखना है और 100 साल बाद कहाँ देखना है। कोई बुराई नहीं कि 100 साल का प्लान बनाना और लोग समझेंगे शायद को मजाक है, लेकिन आज अगर हम चाइना की मिसाल देते हैं और चाइना को हम देखते हैं तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों के आज जो हम चाइना की पॉलिसीज़ देख रहे हैं उसकी उन्होंने प्लानिंग 40-40 साल पहले की थी कि हमने यहाँ जाना है और इस तरीके से जाना है, तो आई थिंक प्लानिंग तो ज़रूर होनी चाहिए। हम अपनी छोटी सी एक दुकान खोलते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, तो ये तो मुल्क है। बिल्कुल, तो ये सब लाहौर चैम्बर में हम जब लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था इरफान साहब के टिनोर में, तो मुझे लाहौर चैम्बर का ना विज़िट कराया गया था, तब हम यहाँ पर नीचे जो काउंटर्स वगैरह बने आपके बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं अंडर द वन रूफ, ठीक है, तो वो अभी तक है कंटिन्यूटी उसकी और कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन और हुई है, कुछ बताना पसंद करेंगे नए व्यूअर्स को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बड़ा अच्छा ये पियाफ का एक विज़न था कि और उसके बाद अब हम पियाफ फाउंडर अलायंस की बुनियाद पर एक अलायंस के साथ हम चल रहे हैं कि ना ये जो वन विंडो ऑपरेशन की जो हम बातें करते थे और सोल्यूशंस की बात सब करती, हुकूमतों से कहने के बजाय हम एक सोल्यूशन एक छोटा सोल्यूशन बना के तो दिखाएँ, हमने लाहौर चैम्बर को एक वन विंडो सॉल्यूशन डेस्क बना के दिखाया है। आपने नीचे देखा जिस तरह आप इरफान साहब के दौर का जिक्र कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे डेस्क बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, ख्वाह वो FBR का डेस्क हो, समीडा का डेस्क हो, स्टेट बैंक का डेस्क हो, PIA का हो, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, नादरा, पासपोर्ट, ये बेशुमार हैं। मेरे पिछले दौर में पिछले 5 माह में जो हुआ हमने उसको एडिशंस की हैं, उसमें हमने ई सहूलत मरकज़ ऐड किया है कि जितनी भी गवर्नमेंट की पेमेंट्स हैं FBR की वो सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम कर सकें। हमने ऐड किया है लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा यहाँ से होना शुरू हो गया है, आप यहाँ से लर्निंग लाइसेंस भी और ड्राइविंग लाइसेंस भी परमानेंट बन सकता है। हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है पंजाब का उनके साथ जो किया है उसको मुंसलिक, और अब हमारे पास डेस्क मौजूद है जो आपको अपनी फ़र्द जमाबंदी रजिस्ट्री प्रॉपर्टी की है, जो जो एरियाज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कंप्यूटराइज कर दिए हैं उनके तमाम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अब आपको लाहौर चैम्बर से फॉरन मिल सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक की मदद से हमने रिसेंटली किया कि तमाम बैंक्स अपने यहाँ काउंटर्स बनाएं, और स्टेट बैंक जो SME सेक्टर के लिए छोटी इंडस्ट्री के लिए जो जो सहूलियात दे रही है वो मैंने देखा है कि जी बहुत सी छोटी इंडस्ट्री को पता ही नहीं, मालूम ही नहीं कि स्टेट बैंक के कौन से पैकेजेस हैं और हाउ वी कैन अवेल देम। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के लोन जो हैं, हमने एक SME मेला किया था और हमने इंश्योर किया कि उसी दिन 4 लोगों को एक दिन में हमने लोन डिस्पर्स करके दिखाया। तो ऐसी बहुत सी सहूलतें हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आपके साथ अब
दोस्ती हो गई, एक ताल्लुक बन गया है, तो आपके चैनल की वसातत से हम वेरियस जो सहूलतें हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ हॉट चैम्बर या किसी भी चैम्बर का बुनियादी काम ही ये होना चाहिए कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान एक पुल का रोल अदा करे, एक ब्रिज हो, कि हुकूमतें जो सहूलियात दे रही हैं और आम आदमी तक अगर वो सहूलतें नहीं मिल रही या उस तक अवेयरनेस नहीं हो रही तो वो हम पहुँचाएँ, तो वो हम पहुँचा रहे हैं। अभी हमने स्टेट बैंक के साथ अभी बात की थी कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर का जो है मॉडल है, वो तमाम इंडस्ट्रीज़ किस तरह अपने स्टाफ को, अपने लेबरर्स को छत, जो एक बहुत ही हर इंसान की ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है, तो किस तरह हम घर बना के दे सकते हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस टाइम हुआ एक स्मार्ट से ब्रेक का, हम मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को और अपने एक्सपोर्ट के ममालिक को भी हमें नए ममालिक में नई प्रोडक्ट्स लेके जानी होगी। टेक्सटाइल बहुत उम्दा चीज़ है और टेक्सटाइल हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उसके साथ साथ हमें नई चीज़ें लेके जानी होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, लाहौर की शान, लाहौर की आन, मियाँ नुमान कबीर साहब, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है मियाँ साहब आज मेरे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, सो मच, थोड़े से बात कीजिए, बताइएगा इंटरनेशनल ट्रेड्स के ऊपर लाहौर चैम्बर अभी क्या प्लान कर रहा है। अभी आप आपको पता है दुबई एक्सपो 2020 आप भी शायद उसमें गए थे जी, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का भी, उसमें इंटरनेशनली हमारा एक अच्छा मैसेज गया है पूरी दुनिया में, हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर डिस्प्ले हुई है, तो लाहौर चैम्बर में ट्रेड के हवाले से इंटरनेशनली क्या इस दफ़ा का प्लान है आप लोग? अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा मौजू छेड़ा कि अभी तक जितनी भी बातें हुई वो हमने डोमेस्टिक लेवल पे की और ज़ाहिर है हमें इंटरनेशनल अपना ज़रूर देखना चाहिए, मैक्रो लेवल पे एक्सपोजर। लाहौर चैम्बर का रवायती तौर पे मैं आपको ऐसा बताऊं कि हमेशा से इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा और बहुत उम्दा रहा है, वो इस लिहाज से कि सारा साल वो पाकिस्तान में जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उनके एम्बेसडर्स और उनका जो ट्रेड अटाचीज़ हैं, उनका ट्रेड स्टाफ है, बड़े ही भरपूर तरीके से लाहौर चैम्बर को विज़िट भी करता है, लाहौर चैम्बर वाइसा वर्सा उनको विज़िट करता है। तो हमारे यहाँ 130-140 एम्बेसडर्स साल में ज़रूर आते हैं और हम भी उन्हें इस्लामाबाद में भी विज़िट करते हैं। पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम ये रही है कि हम 10-10 का एक इशू था कि हम 10-12 मुल्क हैं जिनको एक्सपोर्ट, जिन पे ज़्यादा हमने एम्फसाइज़ किया हुआ है, और 10-12 ही हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम, चावल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट्स हो गए, उनको हम कर रहे हैं। हमें डाइवर्सिफाई करना होगा अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को और अपने एक्सपोर्ट के ममालिक को भी, हमें नए ममालिक में नई प्रोडक्ट्स लेके जानी होगी। टेक्सटाइल बहुत उम्दा चीज़ है और टेक्सटाइल हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उसके साथ साथ हमें नई चीज़ें लेके जानी होगी। अगर हम अपनी स्पोर्ट्स गुड्स की बात करते हैं, हम अपनी फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, हम अपनी हर्बल मेडिसिन की बात करते हैं, प्लांट्स की, राइस की, किन्नू की, आईटी बहुत बड़ा है। और मैं आपको ये बताऊँगा भी कि लॉ चैम्बर इस साल हमने आईटी के ऊपर बहुत एम्फोसाइज किया है, लेकिन आपके असल सवाल का ये जवाब देते हुए कि जी हाँ, हमें नए मुल्कों में ज़रूर जाना चाहिए, नए मुल्कों को एक्सप्लोर करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए नई मंडियाँ तलाश करनी चाहिए। अभी पिछले महीने मैं ईरान गया हुआ था ताकि हमें उम्मीद है कि ईरान पे सैंक्शंस जैसे ही ख़त्म हो, पाकिस्तान की और ईरान की बड़ी स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डेज डेवलप हो जाए। बहुत कामयाब ट्रिप रहा, बहुत सी वहाँ इंडस्ट्रीज़ के साथ हम कनाडा में मिले, लोगों से मिले, और सॉरी ईरान के साथ, और हम ईरान के साथ इसको और बेहतर करेंगे। कनाडा मेरे मुंह से इस तरह निकल गया कि हम दोबारा अब नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं कि टर्की में, इंग्लैंड में और नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें कनाडा भी शामिल हो, उधर हम अपनी एग्जिबिशंस का इनेकाद करें, पाकिस्तान ज़रूरी है, लाहौर बेस्ड जो इंडस्ट्री है उनको इस सारे बाहर लेके जाएँ, ताकि नए मुल्कों में जब तक हम नहीं जाएंगे अपने नई प्रोडक्ट्स को लेके जाके, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। नो डाउट, स्पेशली आफ्टर कोविड तो अभी दुनिया का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका हुआ है। हालांकि ये काम चैम्बर्स का और ट्रेड मिनिस्ट्री का और हमारे ट्रेड काउंसलर्स का है, अपनी हमारे जितने ट्रेड इवेंट्स हैं उनको इंटरनेशनली लेके जाना, लेकिन उन लोगों की तरह से हमने देखा है, क्योंकि मैं खुद इसका पार्ट रहा हूँ, हमने इंटरनेशनली फैशन शोज़ भी किए, इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी की, B2B B2C भी, लेकिन हमारे ट्रेड काउंसलर्स इतने एक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया को हम देखें, बांग्लादेश को देखें, उनका अगर ट्रेड देखें, अगर हम टेक्सटाइल की बात कर लें, वो हमसे ज़्यादा फिगर वाइज ज़्यादा आगे हैं।
उसमें बहुत सारी वजूहात है। आई नो हमारे ट्रेड काउंसलर्स की अपनी तरजीहात होती है, अपना पर्सनल बिजनेस उन्होंने ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट करना होता है, तो लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि हम सॉफ्ट इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं सब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा लाहौर चैम्बर के हवाले से कि जो मैंने तारिक साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आम ट्रेडर जो है जिसको पता ही नहीं है कि भी ट्रेड जो चैम्बर इसका रोल क्या है एक्चुअल में और मुझे इससे किस तरह से फ़ायदा लेना है और मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, ये उनकी ट्रेनिंग के लिए आप लोग कुछ करने का प्लान है आपका के लिए? जी ये आम ट्रेडर जी आप सही कह रहे हैं, ये जिसे कहते हैं ना जहद मुसलसल है। जी जी अभी मैं बल्कि आपको भी दावत दूंगा, अभी हमने आपसे थोड़ी देर के बाद एक इवेंट रखा हुआ है जिसमें लाहौर की तमाम ट्रेडर और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को दावत दी है। आने वाले बजट में हमारे जो जानी है गुजारिशात हुकूमत को, दे शुड कम एंड शेयर विद अस उनके क्या मसाइल हैं, छोटे सेक्टर को ट्रेडर को क्या इश्यूज़ हैं, ताकि हम भरपूर तरीके से हुकूमत को बजट प्रपोजल्स में वो भेजें। जहाँ तक आपने कहा है कि छोटा ताजर या आम बिजनेसमैन या वो लोग जो चैम्बर से ज़रा दूर हैं उनको कैसे रोल नहीं पता है जी इन्वॉल्व हम कैसे किए हैं, तो अब कॉन्स्टेंटली वी आर ट्राइंग थ्रू सोशल मीडिया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि हम लोगों को बताएं कि चैम्बर क्या क्या काम कर रहा है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें कि चैम्बर ही एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वसातत से हम हकूमत तक या इंटरनेशनल चैम्बर्स तक पहुँच सकते हैं। लाहौर चैम्बर मेरे ख्याल काफ़ी हद तक कामयाब है इस सिलसिले में क्योंकि माशाल्लाह 32,000 हमारी मेंबरशिप है और हर साल ये 20-25% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो आई थिंक पीपल हैव कॉन्फिडेंस, दैट्स वाई द मेंबरशिप इज़ इंक्रीजिंग, दैट्स वाई रिन्यूअल्स आर इंक्रीजिंग, लॉट मोर पीपल आर कमिंग, बट आई एम 100% श्योर देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कमियाँ बहुत सी होंगी भी, डेफिनेटली इंशाल्लाह आप उनकी निशानदेही करते रहें ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर लाहौर चैम्बर को भी और अपनी जो हमारी कारकर्दगी है उसको और बेहतर कर सकें। मियाँ साहब लास्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मियाँ साहब आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? ये तो मैं कतई स्मार्ट नहीं हूँ जी, बिल्कुल ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप स्मार्ट नहीं हैं? जेन्युइनली बिलीव कि अकली तौर पर भी बहुत कमी है और फिजिकली तौर पर भी बहुत कमी है, लेकिन मेरे ख्याल हर इंसान को आप अगर अपना कैमरा उस तरफ डालें तो इतना खूबसूरत हमारे चैम्बर के साथ एक पार्क है। आई थिंक कोशिश यही होती है कि इसको अवेल करें, इसके ट्रैक को इसमें वॉक भी करें और तमाम लाहौर के लोगों से भी मेरा ये पैगाम होगा, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से बिलखसूस कि हम अपने ऊपर बहुत कम वक्त देते हैं। आई थिंक इंसान को अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ वक्त देना चाहिए। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी मैं sure. करना चाह रहा हूँ sure. लेकिन चूँकि टाइम की और मुझे पता है आज आपके इधर जो इवेंट भी है आपकी मसरूफियत है, लेकिन इंशाल्लाह एक और नशिस्त करेंगे हम, उसमें और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मियाँ साहब आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है हमारी स्पॉन्सर कंपनी मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में हमारे गेस्ट थे। जी मियाँ साहब आखिर तो बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि टाइम देने का और स्पेशली आज आप हमारे गेस्ट थे मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की और उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो कि आपको हमेशा याद रहेगा कि आप हमारे पापा से तभी तक इस सफर में हमारे गेस्ट थे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया और बिलखसूस मैं काशिफ यूनुस साहब का, ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव और हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए उनकी बहुत खिदमत है और वो हमेशा हमारे फॉर्म। अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength.